नमस्कार, मैं दीप्ति दसानी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से। बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सतरंगा इंद्रधनुष। सतरंगा का अर्थ है सात रंगों से भरपूर। ठीक है, तो बच्चों, इस कविता का, इस लेख का केंद्रीय भाव ये है कि जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति में जो हमारे रंग है, अलग अलग रंग है, वो प्रकृति की अनूठी देन है। अनूठी का अर्थ है अलग सी, अनोखी। ठीक है, हमारे चारों ओर प्रकृति ने मानो चित्रकार की, चित्रकार मतलब जो चित्र बनाता है, जैसे ड्राइंग करता है, चित्रकार की भांति अलग अलग रंगों से सृष्टि को सजाया है। सृष्टि मतलब धरती को, हमारे चारों ओर के वातावरण को एक आर्टिस्ट की तरह उन्होंने क्या किया है, सजाया है। हमारे पेड़ पौधे, फूल, पशु पक्षी, नदी, झरने, आकाश, पानी, मिट्टी, इन सब में हमने क्या, रंगों की विभिन्नता देखी है। हमें सब चीज़ों के रंग अलग अलग देखने को मिलते हैं। इन सबसे भी अलग, एक सबसे अलग है जो प्रकृति के, प्रकृति ने क्या, मानव चित्रकार ने एक ही तुलिका, तुलिका का अर्थ होता है ब्रश, पेंटिंग का ब्रश होता है ना, एक ही तुलिका में सातों रंग भर के एक साथ चला दिया है, जो है हमारा इंद्रधनुष। ये हमारा सबसे अलग ही प्राकृतिक नज़ारा है। ठीक है, अब हम पाठ का भावार्थ समझेंगे। पाठ आपकी पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 25 और 26 में दिया हुआ है। सर्वप्रथम आज मैं आपको पृष्ठ क्रमांक 25 का भावार्थ समझाऊंगी। मैं पाठ को दो भागों में समझाऊंगी। मैं अब पाठ प्रारंभ करती हूँ। बरखा आती है तो क्या, बादल आसमान में काले काले बादल छा देते। आप सभी ने भी देखा ना, अभी हमारा कौन सा मौसम चल रहा है, बरसात का। जैसे ही बरसात आती है, बरखा का अर्थ होता है बरसात, जैसे ही बारिश आती है तो हमारे आसमान में क्या होता है, काले काले बादल छा जाते हैं। बिजली गरजने लगती है, बिजली की गरजना, और बिजली गरजने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, और बिजली की जो चमक है, और पानी का धीरे धीरे बूंदों का बरसना, ये हमारे मन को बहुत प्रसन्न करता है। जब बारिश होती है तो हम सब देखने के लिए खुश होते हैं ना, होते हैं कि नहीं। जैसे ही क्या होता है, जो हमारी बारिश की धीरे 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 पड़ने वाली बूंदें, अचानक धीरे धीरे तेज के झमाझम बारिश, झमाझम का मतलब बहुत तेज बारिश में बदल जाती है। चारों ओर क्या हो जाता है, जल ही जल दिखने लगता है। पेड़ पौधे, गली, सड़क, सभी क्या हुए, नहाए हुए, ताजगी से भरपूर नजर आते हैं। जैसे अपन जब नींद से सोकर उठते हैं, नहाते हैं, तो अपन कैसे फ्रेश फील करते हैं ना, ऐसे जब बरसात हो जाती है तो हमारे नदी, झरने, घर, बाहर, मिट्टी, सब क्या होती है, ताजगी से पूर्ण हो जाती है। जैसे ही वर्षा खत्म होती है, बारिश बंद होती है, तो हमारा मौसम कैसा हो जाता है, खुला सा और धुला सा। आपने भी देखा है ना, जब बारिश बंद हो जाती है तो हमारा आसमान बिल्कुल साफ श्वेत दिखाई देने लगता है। पूरब दिशा से क्या होता है, रंग बिरंगी दिशाएं आसमान को सजाने के लिए आ जाती हैं। मतलब अलग अलग से ऐसे से सूरज की किरणें ऐसे निकलती है, मानो कोई चित्र, बहुत चित्रकार बहुत अच्छा चित्र बना रहा है। और ऐसा लगता है कि मानव चित्रकार ने अलग अलग मतलब ब्रश में अलग अलग रंग लेके पूरी प्रकृति को सजा दिया है। हमारा आसमान में अलग अलग रंग के गोले दिखने लगते हैं। जैसे अपन ड्राइंग बनाते हैं तो अलग अलग शेप्स बनाते हैं, अलग अलग कलर यूज करते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने जो हमारे आसमान के चूनर है उस पर अलग अलग क्या कर दिए हैं, रंग से गोले बना दिए हैं। इस अर्धवृत्ताकार को मतलब गोले जो होते हैं, उन्हें देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और छोटे बड़े सब बहुत आतुर होते हैं। आतुर का अर्थ है व्याकुल, सब देखने के लिए बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह, क्या तो मौसम है, क्या तो आसमान का नज़ारा है, बरसात बहुत ही अच्छा, बरसात में बहुत ही अच्छा फील होता है। आपने भी किया है ना, आपको भी सब क्या होता है, जब बारिश होती है तो हम अपनी अपनी छतों में आ जाते हैं, बालकनी में आ जाने देते, देखते हैं कि सड़कों पे कैसे नाव चलने लगती है, बच्चे मनोरंजन के लिए नाव चलाते हैं, है ना। फिर बरसात होने के आसमान में इंद्रधनुष आ जाता है, हम उसको देखने लगते हैं और हम आसमान के नज़ारे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये आज था हमारा भाग 1 का हवा, जो कि पृष्ठ क्रमांक 25 का था। अब हम अगली वीडियो में किसे पृष्ठ क्रमांक 26 के भावार्थ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको पृष्ठ क्रमांक 26 पढ़ना है, ठीक है, जिससे आप पढ़ेंगे तो आपको पाठ को समझने में सरलता होगी। अब हम अगली वीडियो में आगे के भावार्थ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो को पसंद करें, साझा करें एवं सदस्यता लें। धन्यवाद।